दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमेश मौर्य। आइए आज हम आपको DL.ED सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश में टीचिंग मेथड और अप्रोच सब एक ही वीडियो में बताने जा रहे हैं। एकदम बहुत ही एग्जाम पॉइंट लिए हैं जो कि परीक्षा में एकदम आने वाले 100% है। वही रूल और वही अप्रोच वही मेथड बता रहे हैं। एकदम एग्जाम में जो आएगा वही उतना, उससे फालतू एक भी शब्द नहीं बता रहे हैं। और इसमें से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि बहुत सरल तरीके से मैं कम समय में पूरा बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास अब टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करने जा रहा हूँ। बहुत एग्जाम पॉइंट लिखा हूँ, तो आइए देखते हैं समय को नष्ट न करते हुए वन बाय वन। देखिए पहला है टीचिंग मेथड में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है ना? तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इस नाम से आता है, तो इसके बारे में जो परीक्षा में आता है उसको जानकारी देख लीजिए। देखिए इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इट इज़ ओल्डेस्ट मतलब यह सबसे पुरानी है मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है? तो यह पढ़ाने का सबसे पुराना तरीका है, ठीक है? तो पूछ लेगा कि ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कौन सी मेथड है, तो आपको बताना पड़ेगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो अगला है इट इज़ कॉल्ड क्लासिकल मेथड। इसे आल्सो इसे क्लासिकल मेथड भी कहा जाता है। आप पूछ लेगा क्लासिकल मेथड किस विधि को कहते हैं, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड, इस तरह 3-4 मेथड का नाम दे देगा। आपको बताना पड़ेगा ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आप क्या जाने, दो क्वेश्चन आपका बन गया। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं या ठीक है कौन सा है तब भी आपको यह बताना है, और क्लासिकल मेथड किसे कहते हैं वो भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही कहते हैं, या ग्रामर कम ट्रांसलेशन को, या ग्रामर कम ट्रांसलेशन को पूछ लेगा और क्या कहते हैं। ऑप्शन में क्लासिकल मेथड रहेगा जिसको लगाएंगे, ओल्डेस्ट मेथड रहेगा जिसको लगाएंगे, इट इज़, ठीक है? इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन, तो इसे यूरोपियन द्वारा विकसित किया गया था। पूछ लेगा किसके द्वारा विकसित किया था, ऑप्शन में यूरोपियन रहेगा तो आप उसको लगा देंगे। और इसके संबंधित कुछ बातें हम जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो शॉर्ट में बनाना है तो इसलिए फालतू बातें नहीं लिखे गए हैं। तो इसमें और क्या होता है कि टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है मदर टंग मतलब मातृभाषा। टारगेट लैंग्वेज मतलब जो भाषा हम सीखना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज है, ठीक है? तो इसको मदर टंग में ट्रांसलेट कर दिया, तो क्योंकि ग्रामर से जान ही रहे आप टेंस पढ़ते हो तो क्या करते हो, ट्रांसलेट करते हो ना मदर टंग में, जैसे इंग्लिश से हिंदी में, जैसे वह, ठीक है? तो इस तरह से किताब पढ़ते हो तो अर्थ निकालते हो, तो इस तरह से, तो इसमें क्या कर किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मदर टंग में किया जाता है। तो चलिए अब दूसरे मेथड पर चर्चा हम करते हैं, डायरेक्ट मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बहुत से नाम हैं, ठीक है? तो नेचुरल मेथड से परीक्षा में आएगा कि इसका और क्या नाम है, तो नेचुरल मेथड, इसके बहुत से नाम हैं, चलिए देख लेते हैं सभी को। दोस्तों डायरेक्ट मेथड को हम जैसे बताए कई नामों से जाना जाता है। दिस मेथड इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक, जैसे कौन कौन से, द रिफॉर्म मेथड। इसके अलावा नेचुरल मेथड तो आपको पता ही है, एग्जाम में आ चुका है। तो रिफॉर्म मेथड अगर पूछा गया कौन से मेथड को कहा जाता है, तब भी आपको डायरेक्ट मेथड ही बताना है, या डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में आपके रिफॉर्म मेथड रहेगा, नेचुरल नहीं रहेगा तो रिफॉर्म मेथड बताएंगे, नेचुरल मेथड। एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो था, या ग्रामर कम ट्रांसलेशन, उसी के एंटी मतलब विरोध में ये आया था, ठीक है? उसमें टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग में ट्रांसलेट किया था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में ट्रांसलेट नहीं किया था। डायरेक्ट जो है, जैसे इंग्लिश पढ़ा है तो इंग्लिश में ही पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में ही आपको अर्थ बताया जाएगा, जैसे इंग्लिश मीडियम, तो इसको तो डायरेक्ट मेथड उसको कहते हैं, इसलिए इसका नाम है एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो और इसको एक और नाम से जाना जाता है, द बर्ल्टीज मेथड, ठीक है? बर्ल्टीज मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से अगर ये इसमें से दो तीन नाम दे देगा कि, और ये और लास्ट में कह देगा कि ऑल, तो ऑल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो देगा तो A+B दोनों हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी दे सकता है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कई तरीके से बन सकते हैं। तो आप इसको जानिए, लास्ट में क्या बताया, बर्ल्टीज मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। बर्ल्टीज मेथड के नाम से क्यों जाना जाता है उसको जानिए। डायरेक्ट मेथड वाज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्ल्टीज, ठीक है? मैक्सिमिलियन बर्ल्ट, तो ये मैक्सिमिलियन बर्ल्ट जितने थे उन्हीं के जो है नाम से ये जो है इसको बर्ल्ट मेथड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, बर्ल्ट जो है बर्ल्ट मेथड, ठीक है? तो बर्ल्ट मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है।
क्यों? क्योंकि मैक्सिमिलियन बर्लिट एक आदमी थे, ठीक है, तो उन्हीं के नाम से जो है इसको बर्लिट्ज मेथड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इन्होंने इसको विकसित किया था। अब ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हु डेवलप्ड डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड को किसने विकसित किया था, आपको बताना पड़ेगा मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज, या ऑप्शन में दिया केवल बर्लिट्ज ही है तब भी आपको वही लिख देना है। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कब इसको विकसित किए थे, 19वीं शताब्दी के अंत में। अगर ये भी पूछ सकते हैं किस शताब्दी में के अंत में विकसित हुआ था, तो 19वीं शताब्दी के अंत में। एज ए रिएक्शन ऑफ ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, क्यों विकसित किए थे, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के रिएक्शन माने प्रतिक्रिया में, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग का यूज़ किया जाता है, इसमें मदर टंग का यूज़ नहीं किया जाता, तो उनके हिसाब से डायरेक्ट मेथड में इसको जो भाषा इंग्लिश सीखा तो इंग्लिश में ही बोलो, डायरेक्ट उसी में भी बात करो, ठीक है, इस तरह से उसके लिए इन्होंने डायरेक्ट मेथड का आविष्कार किया था। आई होप अब इसको समझ गए होंगे, आइए अगले मेथड पर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको बताया कि डायरेक्ट मेथड को जो है, ये डायरेक्ट मेथड जो है इसको नेचुरल मेथड के नाम से भी जाना जाता है, तो नेचुरल मेथड से के नाम से क्यों जाना जाता है उसको जान लीजिए, तो ठीक है, डायरेक्ट दिस मेथड इज कॉल्ड नेचुरल मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड कहा जाता है, क्यों कह रहे हैं, बिकॉज, क्योंकि इट इज डिपेंडेड ऑन एजुकेशन प्रिंसिपल्स, क्योंकि ये शिक्षा के सिद्धांतों पर, प्रिंसिपल्स माने सिद्धांतों, शिक्षा के सिद्धांतों पर क्या है, निर्भर होते हैं, जब शिक्षा के सिद्धांत पर निर्भर है तो सीधी सी बात है नेचुरल मेथड इसको इसको नाम दिया गया है। अब आगे देखते हैं और इसके बारे में, इन दिस मेथड इस विधि में टारगेट लैंग्वेज इज टॉट, मतलब टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है इन द सेम लैंग्वेज, माने उसी भाषा में, जैसे टारगेट लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। दिस मेथड इस विधि में मेन फोकस ओरल ड्रिल्स, मुख्य जो है फोकस हो जाता है ओरल ड्रिल्स पर होता है, ठीक है। आर बुकैब, बुकैब मतलब शब्द भंडार, जैसे इंटोनेंस नॉलेंस जो भी है शब्द किस माने क्या होता है इस पर होता है, तो कहने का मतलब यह है कि इस मेथड में जो है मेन फोकस ओरल ड्रिल्स पे होता है, मतलब इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश में ही बताया जाएगा आपको, या बुकैब बताया जाएगा इंग्लिश का, इंग्लिश में मीनिंग बताया जाएगा, और इसमें टारगेट लैंग्वेज को जो है सेम लैंग्वेज में जो है बोला जाता है, टारगेट लैंग्वेज से हम इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश में ही बोला जाएगा, हिंदी नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों यही डिफरेंस है आपके डायरेक्ट मेथड में और जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में हिंदी का हम प्रयोग करते हैं मदर टंग में, इंग्लिश से इंग्लिश पढ़े तो हिंदी बोलेंगे, लेकिन डायरेक्ट मेथड में जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी नहीं बोलेंगे, तो ये दोनों में अंतर है, ठीक। तो आइए अब डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को देखते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जरूर आते हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड का, ठीक है, के बारे में। तो देखिए, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज नोन एज रीडिंग मेथड, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को किस नाम से जाना जाता है, रीडिंग मेथड। दोस्तों इसका एक और नाम है, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ठीक है डॉक्टर रीडिंग मेथड अगर नहीं आएगा तो आप उसको टेक्स्ट बुक मेथड कहते हैं, क्या कहते हैं, टेक्स्ट बुक मेथड। अगर आपके एग्जाम में रीडिंग मेथड नहीं आएगा, क्योंकि देखिए दिन का दिन पेपर का लेवल कठिन होता जाता है तो आपको घुमा के पूछ लेता है, तो टेक्स्ट बुक मेथड अगर पूछ लेगा, रीडिंग मेथड नहीं रहेगा तब भी आपको यही बताना है, ठीक है। इस तरह से हम क्या देखें, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को हम रीडिंग मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो डॉक्टर एम पी वेस्ट वाज द फाउंडर ऑफ दिस मेथड, इस विधि के फाउंडर मतलब संस्थापक कौन थे, डॉक्टर एम पी वेस्ट। आपके एग्जाम में आएगा कि जो है हु वाज फाउंडर ऑफ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, तो आपको बताना पड़ेगा एम पी वेस्ट या डॉक्टर वेस्ट ही रहेगा, तो आपको यही ऑप्शन सही करना पड़ेगा, कई बार पूछा गया है इसलिए आप इस बात को जरूर याद करिए। दिस मेथड इज डेवलप्ड ओरल वर्क, इस विधि का विकास किया गया है ओरल वर्क मतलब ओरल वर्क में, मौखिक कार्य में। एंड इट्स मेनली यूज, और इसका मुख्य रूप से जो है यूज होता है इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, वह होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए इसका यूज मुख्य रूप से होता है, बाकी कई जगह होता है लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रयोग यही होता है, तो आपको इस बात को याद रखना है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, कौन इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा रीडिंग मेथड या टेस्ट बुक मेथड, फाउंडर कौन थे डॉक्टर एम पी वेस्ट या डॉक्टर वेस्ट, जो भी ऑप्शन रहेगा आप इस तरह से बताएंगे, या डॉक्टर एम पी वेस्ट अपने आप लिखना। और डेवलप ओरल वर्क के लिए किया जाता है, मेनली यूज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए है, तो इस सब बातें आप याद रखिए। चलिए आगे देखिए, आइए अब हम अगले मेथड पर चलते हैं, बायलिंगुअल मेथड, जो कि हर साल पूछा जाता है बायलिंगुअल मेथड। तो बायलिंगुअल मेथड की पूछा जाएगा कि कौन डेवलपर थे, हु डेवलप्ड, तो डॉक्टर सी जे डॉटसन, आपको नाम याद करना, डॉक्टर सी जे डॉटसन वाज डेवलपर ऑफ दिस मेथड, इसके डेवलपर हैं या फाउंडर हैं, ठीक है, इस तरह से, या प्रोपाउंडर हैं, कुछ भी पूछा जाता है कि सी जे डॉटसन इसके विधि के विकसित करने वाले हैं। इट इज, तो यही पूछा जाएगा हु डेवलप्ड बायलिंगुअल मेथड, आपको डॉक्टर सी जे डॉटसन का नाम याद करना पड़ेगा, बता देना पड़ेगा।
इट इज़ डेवलप्ड, अगला पॉइंट है इट इज़ डेवलप्ड इन 1967 to 1972, इसे विकसित किया गया 1967 से 1972 तक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है, कब इसे विकसित किया गया, तो 1967 से 1972 तक आपको बताना पड़ेगा। इसमें और क्या ध्यान देना है कि टारगेट लैंग्वेज इज़ यूज्ड, इसमें टारगेट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, एंड समटाइम्स और कभी कभी इन आर्डर टू लेट, इन आर्डर टू माने के लिए, लेट द चाइल्ड अंडरस्टैंड माने बच्चों को समझने देने के लिए, लेट मतलब देना, कोई काम करने देने, लेट मी गो, मुझे जाने दो, और कभी कभी बच्चों को समझने देने के लिए मेथड, ठीक है, इस विधि में टारगेट इज़ यूज्ड, टारगेट का भी यूज़ किया जाता है, क्लियर। तो कहने का मतलब इसमें दोनों का यूज़ किया जा सकता है कि टारगेट का भी यूज़ किया जा सकता है बच्चों को समझने के लिए, इंग्लिश टू इंग्लिश भी बता सकते हो, ठीक है। चाइल्ड डज नॉट यूज़ मदर टंग इन दिस मेथड, इस मेथड में, इस विधि में बच्चा जो है मदर टंग का यूज़ नहीं करता है, ओनली टीचर कैन यूज़ मदर टंग इफ़ रिक्वायर्ड, केवल, ठीक है, तो केवल अध्यापक जो है मदर टंग यानी मातृभाषा, मदर टंग माने होता है माँ के जीव से जो हम भाषा सुनते हैं पहले उसको मदर टंग कहते हैं, तो केवल अध्यापक इसमें मातृभाषा का यूज कर सकता है इफ़ रिक्वायर्ड, यदि ज़रूरत हुई तो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि बच्चे मदर टंग का यूज़ नहीं करें, अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो इंग्लिश में समझाएगा, अगर इंग्लिश पढ़ा रहा है तो, अगर नहीं समझ में आएगा हिंदी में भी बताएगा, इस तरह से टीचर मदर टंग का यूज़ कर सकता है, बच्चे नहीं करते हैं। इस तरह से ये सब पॉइंट आपको याद करना है, बाइलिंगुअल मेथड संस्थापक कौन है, कब से कब तक इसे, दो तीन बातें याद करना कि इसके डेवलपर कौन, डॉक्टर सी जे डॉटसन, उसके बाद डेवलप कब किया गया था 67 से 72 तक, यूज़ किसका किया जाता है, तो बच्चे जो है मदर टंग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, टीचर ज़रूरत के मुताबिक करता है। चलिए अगले मेथड पर हम चर्चा करते हैं, ऑडियो विजुअल मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड क्या होता, तो दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाई यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ऑफ अमेरिका के, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा विकसित किया गया है एट टाइम्स, ठीक है, इसका पहले फ्रांस में भी विकसित किया गया था, एट टाइम्स, एट द टाइम ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है अमेरिका में इसका विकसित किया गया फिर, तो इन दिस मेथड, ठीक है, तो आपको बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ विकसित किया गया था, तो आपको USA बताना पड़ेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिलहाल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मेथड, इन दिस मेथड, इस इन दिस मेथड ऑडियो एंड विजुअल एड्स, इस विधि में क्या ऑडियो और विजुअल एड्स का यूज़ किया जाता है बाय, ठीक है, क्योंकि नाम ही है ऑडियो विजुअल एड्स, तो ऑडियो और मतलब ऑडियो मतलब ऑडियो सुनकर, विजुअल मतलब देखकर, दोनों का यूज़ किया जाता है बाय दिस मेथड, ठीक है, इस मेथड के द्वारा ए टीचर कैन पॉसिबल, एक अध्यापक के लिए संभव हो सकता है टू टीच, पढ़ाना लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर, बड़े लर्नर मतलब सीखने वाले यानी विद्यार्थियों के बड़े समूह को पढ़ाना क्या होता है संभव। अगर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस विधि के द्वारा लार्ज ग्रुप ऑफ लर्नर को पढ़ाना पॉसिबल होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ऑडियो एंड विजुअल मेथड। तो चलिए फिर अगले विधि देखते हैं। अब दोस्तों अब हम विधियों को बता चुके हैं जो इम्पोर्टेंट विधि थी, तो अब अप्रोच को बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको बताया था कि एक ही वीडियो में हम अप्रोच और विधि दोनों बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट है, परीक्षा में आते हैं, वही उतना बता रहे हैं। अप्रोच में मतलब होता है उपागम या प्रविधि, ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चरल अप्रोच पहले बता रहे हैं, तो क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में एक नंबर दो नंबर किसी में भी आ सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर एक नंबर में आते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। साइंटिफिक मतलब होता है वैज्ञानिक, स्टडी माने अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, आप फंडामेंटल मतलब मूलभूत, स्ट्रक्चर माने संरचना, ये मूलभूत संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन होता है ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के, तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है अंग्रेजी भाषा के फंडामेंटल स्ट्रक्चर का साइंटिफिक स्टडी होता है। इन दिस अप्रोच, इस तो अप्रोच में इज फोकस्ड ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर या सेंटेंस पैटर्न पर आपको क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज किस भी अप्रोच को कहते हैं, तो साइंटिफिक स्ट्रक्चरल अप्रोच को कहते हैं, या स्ट्रक्चरल अप्रोच में क्या किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस तरह से स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है अंग्रेजी भाषा के मूलभूत संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है, और इस विधि में फोकस किया जाता है, किस पर फोकस किया जाता है, ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, वाक्य की संरचना पर, सेंटेंस पैटर्न वाक्य के नमूने पर, एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड फोकस, शब्द और एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और शब्द के व्यवस्था पर, मतलब इसको कैसे व्यवस्थित किया गया उस पर फोकस किया जाता है, एंड फोकस, ठीक है, तो इसी पर फोकस किया जाता है।
क्लियर। एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड फोकस, शब्दों पर की व्यवस्था पर फोकस किया जाता है, छंदों को व्यवस्थित किया जाता है और उस पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है। दिस अप्रोच इज कॉल्ड मास्टर पैटर्न ऑफ सेंटेंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि दिस मेथड इसका इस विधि इसे दिस अप्रोच इस उपागम को इज कॉल्ड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मास्टर पैटर्न ऑफ सेंटेंस, वाक्य का मास्टर पैटर्न कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस मेथड को मास्टर पैटर्न ऑफ सेंटेंस कहा, आपको बताना पड़ेगा स्ट्रक्चरल अप्रोच, या स्ट्रक्चरल अप्रोच को क्या कहा जाता है, ठीक, कौन सा पैटर्न कहा जाता है, मास्टर पैटर्न ऑफ सेंटेंस। आगे देखिए, इस तरह से कोई भी पढ़ी तो उसमें सोचिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। बाय दिस अप्रोच, इस अप्रोच के द्वारा स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, विद्यार्थी जो है समझ जाते हैं, क्या समझते हैं, द आर्डर, आर्डर मतलब क्रम, जैसे कोई भी शब्द कैसे बना उसके क्रम को व्यवस्थित व्यवस्थित करने के तरीके को, ठीक है, आर्डर मतलब क्रम, जैसे क्या क्या क्रम समझते हैं, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड, जो हम सूत्र नहीं लिखते हैं टेंस में वही, तो इसको स्ट्रक्चर ही है, स्ट्रक्चर के आधार पर हम सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल अप्रोच पर ही हम बनाते हैं। तो आइए अगली अप्रोच हमारी है सिचुएशनल अप्रोच, इसके बारे में क्या एग्जाम पॉइंट है, सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स, सिचुएशनल अप्रोच जो है संकेत करता है ए टीचर, एक अध्यापक को शुड क्रिएट, कि एक अध्यापक को शुड क्रिएट उत्पन्न करना चाहिए, ए रियल कंडीशन, एक वास्तविक स्थिति इन क्लासरूम, क्लासरूम में, ठीक है। तो सिचुएशनल अप्रोच संकेत करता है कि अध्यापक को क्लासरूम में यानी कक्षा कक्ष में एक वास्तविक स्थिति को उत्पन्न करना चाहिए, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए पढ़ने के लिए बच्चों को, तो उसे को कहते हैं सिचुएशनल अप्रोच। इसमें जैसे एग्जांपल के लिए चार्ट, चार्ट का यूज़ करता है आदमी, दिखाता है टीचर बच्चे को, देखते हैं मैप, मानचित्र में दिखाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है, हर चीज़ कहाँ सिचुएटेड है, स्थित है, टेबल्स, टेबल्स मतलब सारणी दिखाता है कैसे कैसे किस चीज़ को व्यवस्थित करना, इस तरह से ये सिचुएशनल अप्रोच में आती है। इस प्रकार से हम देखें कि सिचुएशनल अप्रोच इसमें जो है टीचर जैसे चार्ट का यूज़ करेंगे तो मैप का यूज़ करेंगे तो बता देंगे कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, तो वैसे नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर आपको तो मैप मानचित्र दिखा देंगे समझ जाएगा। टेबल्स में दिखा देंगे कि जैसे कौन सा वर्ड की कैसे स्थिति है, जैसे प्रोनाउन का टेबल बना देंगे, कि सब्जेक्ट है आई, फिर ऑब्जेक्ट देखिए मी है, ऑब्जेक्टिव केस, फिर पजेसिव केस माई माइन है, ठीक है, सेल्फ या सेल्फ आर माई सेल्फ है, इस तरह से वो समझ जाता है अच्छे से। जैसे सेब को दिखा दिए तो वो समझ जाएगा सिचुएशन की, मतलब कि हाँ इसको अंग्रेजी मेपल कहते हैं, इस तरह से ये सब सिचुएशनल अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। आइए अगली अप्रोच हम देखते हैं, ओरल अप्रोच। दोस्तों ओरल अप्रोच में क्या होता है, ओरल अप्रोच इज बेस्ड, BASED, बेस्ड माने होता आधारित होना, ठीक है। तो ओरल अप्रोच जो है वो आधारित है ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है, संरचनात्मक प्रविधि पर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ओरल अप्रोच आधारित है, चार ऑप्शन दे देगा तो आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच पर ही लगाना पड़ेगा, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन ओरल अप्रोच, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ओरल अप्रोच जो है स्ट्रक्चरल अप्रोच पर आधारित है, स्ट्रक्चरल अप्रोच ओरल अप्रोच पर आधारित है, बात एक ही हुआ। तो ये नहीं, संरचनात्मक प्रविधि पर भी आधारित है दिस अप्रोच, यह उपागम जो है इज यूज का उपयोग किया जाता है फॉर इजियर वे, इजियर वे मतलब अधिक आसान तरीके के लिए, टू लर्न ए लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने के लिए। यह जो है अप्रोच मतलब उपागम या प्रविधि, यह प्रविधि जो है किसी भी भाषा को सीखने के लिए अधिक आसान तरीके के लिए जो है प्रयोग की जाती है, यानी इससे किसी भाषा को सीखना अधिक आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये अप्रोच हो गया दोस्तों। इसके बाद हम फोर स्किल पर चर्चा कर ले रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर स्किल, चार स्किल कौन कौन सी हैं, तो आपको जो है इसका बहुत शार्ट फॉर्म याद के लिए LSRWR फोर स्किल्स, ठीक है, LSRW आप शार्ट फॉर्म याद के लिए, इसके फुल फॉर्म याद के लिए आराम से आप बता देंगे चारों स्किल क्या है, तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, दो नंबर में भी आएगा, तो आप इसके बारे में बना के इस तरह से चारों नाम लिख सकते हैं, इसका डिटेलिंग भी आप लिख सकते हैं। LSRW का मतलब क्या है, LSRW का फुल फॉर्म होता है जो है यल का मतलब लिसनिंग होगा, यस का मतलब स्पीकिंग होगा, आर का मतलब रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब राइटिंग, यानी कि लिसनिंग, इसके बारे में लिसनिंग सुन करके सुनने की स्किल्स मतलब दक्षता, बच्चों के अंदर चार दक्षता होनी चाहिए या किसी को भाषा को सीखने के लिए, लिसनिंग सुनना, जब हम सुनेंगे तभी अच्छा बोलेंगे, तभी ठीक है कोई चीज़ हम सीखेंगे, तो सुनने की दक्षता होनी चाहिए। स्पीकिंग बोलेंगे यानी कोई शब्द सीख लिए उसका बोलकर हम अपने भाषा में यूज़ करेंगे, अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे, याद करेंगे, तो बोलने की भी दक्षता होनी चाहिए। रीडिंग पढ़ने की दक्षता, बिना पढ़े हमको कुछ नहीं याद होगा, जब पढ़ेंगे तभी ठीक है बोलेंगे याद होगा। राइटिंग, बिना राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमको पूरी तरह से याद नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो इस तरह से लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब एक दूसरे
पर ही निर्भर करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड ये चारों स्किल होती हैं। तो इस तरह से चार स्किल भी आप जान गए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद मैं जो है आपको डीएलएड के जो सभी एग्ज़ाम में 2019 से लेकर 15 तक जो भी आए हैं तो उसका मैं पेपर जो है अपलोड करूँगा। आप जो है इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन को ऑन रखिए जैसे ही, ताकि मैं पेपर अपलोड करूँ आप उसकी नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। बहुत ही आसान तरीके से आपकी पूरी तैयारी इस पर करवा दी जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़ें। और ग्रामर की वीडियो भी आपको पड़ी है, देखते रहिए। और डीएलएड नाम से स्पेशल प्लेलिस्ट है, आप उस पर पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थी पढ़ सकें, क्योंकि सभी अप्रोच और मेथड एक ही वीडियो में मैं बनाने का प्रयास किया हूँ और सभी एकदम एग्जाम पॉइंट है और फालतू कुछ नहीं इसमें दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। समय कम है, कम समय के हिसाब से एग्जाम पॉइंट पूरा आपको बताया जा रहा है।